ओके बॉयज़ एंड गर्ल्स, सॉरी ओनली बॉयज़ एक्चुअली। हाँ तो 60 डेज इस ऑयल को यूज़ करने के बाद कुछ आपके सामने ऐसा रिजल्ट आ रहा है जो कि आप प्रॉपरली देख लो। एंड उसके बाद मैं बोलने वाला हूँ कि आपके लिए ये ऑयल बेस्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करके दिखा दें कि अंदर से कैसा है। चलो ओपन करके देखो दोस्तों, इसको ओपन करने के बाद जो आपके सामने आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, कांच की बॉटल में हम बोल सकते हैं। तो देख सकते हो कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, पुदीना, पढ़ लो पढ़ लो। एंड उसके बाद अगर इसको 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट ओके, तो खोलने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ ड्रॉपर जैसा आता है। तो देखो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी आपको बोला जाए तो एक्चुअली नाम बहुत अलग अलग है, लेकिन नहीं रे नहीं पढ़ना होगा। आप देख लो स्क्रीन पे, आपके सामने आ जाएगा, आप पढ़ लो। ओके तो ये ऑयल के बारे में मुझे एक चीज़ जो बोलनी है कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो अप्लाई करना बहुत ईजी है, आपको सबसे पहले आपका फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद उसको अच्छे से ड्राई क्लीन कर लो। ड्राई करने के बाद आपको ये आप अप्लाई करके दिखाता हूँ। चलो अप्लाई करते। तो सबसे पहले हमें फेस वॉश करना है और उसके बाद ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद उसके बाद हमें जो चीज़ करने की वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने नहीं की तो आपको पिंपल्स आ सकते हैं, उसका कुछ भरोसा नहीं है। ओके तो देखो मैंने ड्राई क्लीन तो कर लिया मेरा फेस ऑलरेडी। ओके वॉइस, तो देखो अभी सबसे पहली बात कि इस ऑयल को लेना है आपके हिसाब से, ज़्यादा भी मत लो। ओके अब लेने के बाद आपके ऊपर, अगर आपको उंगलियों पे लेके रफ करना है तो वैसे भी कर सकते हो, ले तो विदाउट एनी ऐसा, ठीक है ज़्यादा भी मत गिराओ नहीं तो बहुत ऑयली होता है। ओके वो अप्लाई तो कर दिया मैंने फेस पे। सबसे पहले बंद करो क्योंकि इसका भरोसा नहीं गिर सकता है कभी, ये तो कांच का है। इसके बाद जो चीज़ करनी है वो रख करो जहाँ पर आपका बेड पोर्शन कम है वहाँ पर रख दो। देखो रफ करना है, रफ करते रहना है, रफ करते रहना है। रफ करने से आपको ही फायदा है, वीडियो की वजह से ज़्यादा मैंने ऑयल लगा लिया, लेकिन इतना भी लगाने का नहीं, नॉर्मल लगाने का है। ओके बॉयज़, तो हमने लगा लिया है। एंड जस्ट वेट अ मिनट, आपको सीधे सीधे बोलूँगा कि क्या करना है क्या नहीं अभी। ओके तो आपने देख लिया कि रफ कैसे करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है जो कि मतलब रेयरली किसी को हो सकता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपने अच्छे से क्लीन नहीं किया तो आपको पिंपल्स भी आ सकते हैं। एंड किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उसकी वजह से भी आपको पिंपल्स आ सकते हैं। आप देखो अगर आपने अच्छे से ड्राई क्लीन किया है फेस को, फेस वॉश लगा के सब कुछ, तब भी आपको पिंपल्स आ सकते हैं क्योंकि किसी की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है ना। अगर अभी आपको दिखाने वाला कि मेरे 60 डे बिफोर का वीडियो था एक मैंने बनाया हुआ, उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसकी वजह से मैं बड़ा वाला वीडियो कर रहा हूँ, तो उसको 6,000 समथिंग व्यूज़ पड़े। तो उसके अंदर मैंने दिखाया था कि अप्लाई कैसे करते हैं, एंड वो ही वीडियो आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर मेरी बियर्ड कैसी थी और अभी कैसी है। तो दोनों का आप साइड बाय साइड देख लो कि कैसी थी और कैसी है अभी। एंड देखो तो देखने के बाद आपको एक ही समझेगा कि ब्रो ऑयल वर्क करता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो है बहुत। ओके तो मेन कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको ऑयल लेना चाहिए कि नहीं। देखो अगर आपकी एज समथिंग समथिंग 17, 18, 16 होगी तो आपकी ग्रोइंग स्टेज अभी भी,
आपको इतनी लेने की ज़रूरत नहीं, लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ग्रोइंग स्टेज में हो, आपको 1920 तक आ ही जाएगी। अगर नहीं आई, ऐसी पैच ही रहेगी, तो उस टाइम पे आप लगा सकते हो। लेकिन मैं तो बोलूँगा अगर आप 18-19 प्लस हो तो ही लगाओ। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आपको बीएड नहीं हरे कोई के रहता है तो आप 2-3 महीने लगा के देखो, ट्राई करो, अगर रिजल्ट आया तो बेस्ट, नहीं तो फिर आपको पता है कि क्या करना है। तो मेरा पर्सनल यही ओपिनियन आपसे है कि आप ले सकते हो। यस, इट इज़ सेफ एंड कुछ प्रॉब्लम नहीं है। किसी की स्किन सेंसिटिव होती है तो तब प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि पिंपल्स आते हैं। आई नो, मुझे भी आए थे स्टार्टिंग में, अभी नहीं आ रहे क्योंकि स्किन को आदत सी हो चुकी है। एंड बस इतना ही था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो। एंड ऐसे ही अगर आपको कुछ रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग कुछ वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बोलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। टेड चैनल को मैं वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, प्लीज़। थैंक यू।